चलो कल हम सॉल्वेंट पे थे ना। तो कल सॉल्वेंट पे बात कर रहे थे। सॉल्वेंट दो टाइप के, नॉन पोलर जिनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, और पोलर जिनका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। यहाँ एग्जांपल्स हमने बात की थी CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन। नॉन पोलर में फिर हमने दो पार्ट किए थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा क्योंकि ये किसके पार्ट हैं, पोलर सॉल्वेंट्स के पार्ट। ठीक है, हम बात करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, वो सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, द सॉल्वेंट इन विच, हाँ वो था म्यू इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्यू इंटू एल, क्यू हमारा चार्ज और एल हमारी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्यों हमारा चार्ज हो रहा है, हमारी क्या होगी, वो देखे रखेंगे फिर तुमको, अगर न्यू कैलकुलेट करवाना है ना उन्हें तो तुमको क्यू भी देंगे और एल भी देंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली डिटरमाइन होते हैं। ठीक, हाँ वो ये पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पूछ लिए तुमसे CH3Cl, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है, कौन ज़्यादा पोलर होगा, मतलब किसका नेट डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, म्यू किसका ज़्यादा होगा, CH3I। रीजन दोगे, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। अब देखो ऑर्डर ऑफ म्यू की बात करते हैं ना, अब यहाँ डेल नेगेटिव होगा और कार्बन पे डेल पॉजिटिव, भाई ये शिफ्ट करेगा ना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, भाई फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही क्लोरीन भी करेगा, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन पर डेल नेगेटिव, कार्बन पर डेल पॉजिटिव। ब्रोमीन भी यही काम करेगा और आयोडीन भी यही काम करेगा। ठीक है ना, अब देखो ज़्यादा शिफ्ट कौन करेगा, फ्लोरीन के आयोडीन इलेक्ट्रॉन पेयर को, फ्लोरीन या आयोडीन, हाँ ये भी, ये तो इंटरमीडिएट रहेंगे ना, फ्लोरीन फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है ना। पीरियोडिक टेबल में हमने बात की थी फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। साइज सबसे छोटा है, चार्ज ज़्यादा है, अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा शिफ्ट करेगा। तो मुझे बताओ क्यू किसका ज़्यादा होगा, एफ का, अगर क्यू की वैल्यू रखोगे तो एफ की सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी, आई की। ये शिफ्ट सबसे कम करेगा तो क्यू की वैल्यू सबसे कम। ठीक है, तो अगर हम बात करें चार्ज, हाँ वही अभी रुक जाना, आ रहा है उस पर। चार्ज किसका ज़्यादा होगा, CH3F का, फिर CH3Cl, Br और CH3। अब चार्ज मीन्स Q, बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ हमारा L, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, CH3I की। मतलब यहाँ ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि CH3I का साइज, आयोडीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी।
अब प्रॉब्लम ही एक फैक्टर इसके फेवर में फ्लोरीन के, इस फॉर्मूले में एक फैक्टर फ्लोरीन के फेवर में और एक फैक्टर आयोडीन के फेवर में, एल आयोडीन के फेवर में, क्यू फ्लोरीन के फेवर में। अब कैसे बताओगे किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है? तो हम देख के तो नहीं बता सकते, जब एक अपोज कर रहा है फेवर और एक फेवर कर रहा है, तो फिर वो चीज़ को बताना कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा वो पॉसिबल नहीं है। फिर वो हम कैसे बताते हैं? फिर वो हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज़ निकालते हैं, फिर बताते हैं किसका ज़्यादा होगा किसका। देखो बॉन्ड लेंथ, यहाँ बॉन्ड लेंथ है ना एल, अब बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? CH3I की, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज़ बड़ा है, आयोडीन का एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब एल इसका ज़्यादा। और एल सबसे कम किसका? इसका, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा। अरे यहाँ देखो, यहाँ कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है? SP3 2P ओवरलैपिंग हो रही है, हो रही है भाई। इसका SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका 2P ऑर्बिटल, इसका SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका 3P ऑर्बिटल, SP3 4P, SP3 5P। भाई 5P का साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा। 5P का साइज़ बड़ा होगा तो ये जो ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा मतलब एल इसके फेवर में और चार्ज इसके फेवर में, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऑर्डर बताना बड़ा मुश्किल है। ऑर्डर फिर हम नहीं बता सकते, ऑर्डर फिर हम प्रैक्टिकली बताते हैं, प्रैक्टिकली इनकी वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं, फिर ऑर्डर लिखते हैं। तो जो ऑर्डर होगा वो होगा CH3Cl, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट CH3Cl का, फिर CH3F का, BR का, फिर CH3I। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली जो हमने डाटा निकाला है उस डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट CH3Cl का होता है, ठीक है। जो भी, हाँ, बीच का था वो सबसे आगे होगा, ठीक है। तो ये CH3Cl और CH3I सबसे आखिरी में होगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? द सॉल्वेंट इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। जैसे हम बात करें NH, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ना, पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। ये तुमने ऑर्डर भी लिखा था लास्ट ईयर, फंगल ब्रिक्स है ना, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, कार्बन, सल्फर, ठीक है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से, इनके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, जो लिक्विड होना चाहिए, या गैसियस भी होगा तो गैस में भी डिजोल्व कर सकते हैं हम चीज़ें, तो वो क्या होंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल बात करें वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। ये लिखना हो लिख सकते हो, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होता है? हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है? लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है इसका? 81 है ना, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है? एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन आयंस, ठीक है। भाई कोई आयनिक कंपाउंड को हम डिजोल्व करेंगे तो वो आयंस में ब्रेक होता है, जैसे NaCl को ब्रेक करोगे
तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब इनके चार्जेस को अगर न्यूट्रलाइज नहीं किया तो ये एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करके क्या बना लेंगे, कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर ऐसा होता है कि जब NaCl को डिसॉल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव अलग रहता है, Cl नेगेटिव अलग रहता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। रीज़न क्या है, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को वाटर क्या कर देता है, इनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। कैसे करता है उसमें हम बात कर रहे हैं अभी। तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा, हाई होगा। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाई होता है। अच्छा और एग्जांपल, तो CH3OH मिथेनॉल, देखो इसमें भी OH बॉन्ड है, C2H5OH ठीक है, इथेनॉल। इन जनरल बात कर लें ROH अल्कोहल, अल्कोहल्स भी क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। और क्या ले हो सकते हो पोलर प्रोटिक में, हाँ अमाइंस, RNH2 वन डिग्री अमाइन ठीक है, 2 डिग्री भी ले सकते हो, HF ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ठीक है। और क्या होगा, अच्छा इसका नाम बताओ जरा, RCONH2 इसका नाम पता है, इसमें भी NH बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड देखो है, अमाइड ठीक है, ये अमाइन ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये करते क्या हैं, बात करते हैं, इधर हटा दो, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला है हमने, हाँ याद ही रखना पड़ेगा, हाँ उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि थ्योरेटिकली तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि F में चार्ज बढ़ रहा है पर बॉन्ड लेंथ कम हो रही है ठीक है ना। हाँ वो एक आध लोग बोल भी रहे थे लास्ट 10th के उस दिन, पता नहीं उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई। इधर कटा दो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है ठीक है, उसको हमने डिसॉल्व किया किसमें, उस सॉल्वेंट में, तो वो ब्रेक होगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब ये क्या है, आयन्स है और कैसे है, अपोजिटली चार्ज, एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर अट्रैक्ट करेंगे ठीक है। अब अट्रैक्ट करेंगे तो फिर कंबाइन हो जाएंगे ठीक है। तो इनको डिसॉल्व फॉर्म में रखना है, आयनाइज फॉर्म में रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्वेंट को इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना चार्ज को न्यूट्रलाइज। जब तक ये चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तब तक ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे ठीक है, या इनके चार्जेस को कम नहीं करोगे अट्रैक्ट करते रहेंगे। तो वो सॉल्वेंट क्या करता है, इनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देता है ठीक है। वाटर के अलावा हो सकता है, पर सॉलिबिलिटी NaCl की वाटर में ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी एबिलिटी न्यूट्रलाइज करने की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज दी चार्ज ऑन आयंस, हाँ वो, हाँ वो बताने वाला था, हाइड्रेशन करेगा ठीक है। तो
अब ये क्या करते हैं, इस पर बात करते हैं, सॉल्वेंट है ना, पोलर प्रोटीन। हमने NaCl को वाटर में डाला, क्या होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनता है ना, वाटर में डिजोल्व किया तो। अच्छा, अगर मैं इनको नाम दूँ तो Cl नेगेटिव को क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है ना भाई। ये नेगेटिव है ना, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव सेंटर की तरफ। पॉजिटिव सेंटर की तरफ मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या होगा, ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा, ठीक है ना। अब वाटर क्या करेगा, वाटर तुम्हें पता है कैसा कंपाउंड है, पोलर। इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो, ठीक है। इस पर डेल नेगेटिव और इन पर डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब ये Na पॉजिटिव को क्या करेगा, वाटर इस तरह से सराउंड कर लेगा, ठीक है। इस तरह से क्या करेगा, सराउंड कर लेगा, ठीक है। यहाँ इन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। वाटर में जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, NaCl के, और इसको क्या कर लेगा, सराउंड। इसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयन, आयन क्या हो गया, हाइड्रेट हो गया। तो इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा भाई। ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो रहा है, कैसे कंबाइन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। इसी तरह से सी एल नेगेटिव को कौन कम सराउंड करेगा, हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इसके चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या हो गया, हाइड्रेट हो गया। इसलिए हम Na पॉजिटिव के नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, एक्वस, एक्वस। अच्छा, अगर कोई और मीडियम क्या करता है, इनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज करता है वाटर के अलावा, तो फिर हम हाइड्रेशन नाम नहीं रखते, फिर क्या रखते हैं, सॉल्वेशन। क्यों, उस आयन का क्या हो गया, सॉल्वेशन। जैसे मैं अगर मिथेनॉल ले लूँ, मिथेनॉल में NaCl को डिजोल्व करूँ, तो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे कि आयन का क्या हो गया, सॉल्वेशन, ठीक है। अदर देन वाटर है तो सॉल्वेशन बोलेंगे, वाटर है तो हाइड्रेशन बोलेंगे। तो वाटर ने क्या करा, इन दोनों को हाइड्रेट कर दिया। तो वाटर ने नेगेटिव चार्ज को भी हाइड्रेट किया, पॉजिटिव चार्ज को भी हाइड्रेट किया, है ना। तो मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, ये नोट करना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा, ठीक है। मीन्स हम ये लिख सकते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्योंकि हम अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं,
तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को भी क्या कर देता है, सॉल्वेट कर देता है। हाँ तो Na पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो नेगेटिव से कंबाइन होगा, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है उससे कंबाइन होगा। ठीक है, हाँ 81 है इसकी वैल्यू 81। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आयंस को घेर लेंगे है ना, तो अभी कंबाइन नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, हाँ तो ये इसलिए कंबाइन होते ही ना, न्यूक्लियस हो जाता है इसलिए कंबाइन होते ही नहीं है। हम बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका भी म्यू क्या होगा, नॉन जीरो। भाई ऐसे सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, या एटम्स अदर देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन को छोड़ के किसी और के साथ अगर वो कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएगा। इधर काटा दूँ, इसके एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। DMF, डायमिथाइल फॉर्मेमाइड, उधर चले हो उधर, वो सर उधर ही आएंगे। अच्छा इसको कंप्लीट पूरा लिखते हैं, एन एन डायमिथाइल फॉर्मेट, एन एन डायमिथाइल देखो एन एन डायमिथाइल फॉर्मेट पे बात करते हैं। फॉर्मेमाइड आयन पता है, अच्छा फॉर्मिक एसिड पता है, ये फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, फॉर्मामाइड क्या होगा, OH की जगह क्या लगा दूँ, NH2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मेमाइड। ठीक है, अब बोल रहे हैं NN डायमिथाइल फॉर्मेमाइड, NN डायमिथाइल, NN का मीन्स मतलब क्या है, ये जो मिथाइल ग्रुप है दो, डायमिथाइल है दो, ये किससे जुड़े होंगे, नाइट्रोजन से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ दो हाइड्रोजन को रिमूव करूँगा, और दो मिथाइल ग्रुप जोड़, तो ये हमारा क्या हो गया, DMF। ये हमारा एक पोलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। DMSO डायमिथाइल सल्फोक्साइड,
ठीक है। ठीक है, ये डाईमिथाइल क्या है? सल्फोक्साइड। इस तरफ कटा ना, डीएम है, डायमिथाइल एसिटामाइड, एनएन डायमिथाइल, एनएन डायमिथाइल एसिटामाइड। ये हमारा एसिटामाइड, ठीक है, सी एस सी सी ओ एन एस टू। एन एन डायमिथाइल मीन्स दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके हम क्या लगा दें, दो मिथाइल, ठीक है। ये डी ए में हो गया, एच एम पी ए, ठीक है, हेक्सामिथिलीन फॉस्फोरामाइड, हेक्सामिथिलीन फॉस्फोरामाइड। अच्छा, फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, तुम नहीं लिख रहे क्या? हमने क्या करा, तीनों OH को रिमूव किया, इधर ध्यान दो, तीनों OH को रिमूव किया और NCH3CH3 जोड़ दिए, ठीक है। ये हमारा हेक्सामिथिलीन फॉस्फोरामाइड। अब यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन पर क्या होगा, डेल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस कार्बन पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव है ना। यहाँ इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, डेल नेगेटिव, इस सल्फर पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव, इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव, इस फॉस्फोरस पर डेल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव, ठीक है।
फॉर्म अमाइड या फॉर्मेमाइड बोल सकते हैं। चलो यहाँ देख लें, देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, या हम एक काम करते हैं एन ए पॉजिटिव ही लेते हैं, ये एन ए पॉजिटिव। अब ये भी क्या करेगा, एन ए पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, जुड़ेगा। अगर एन ए सी एल को इसमें डिसॉल्व करोगे तो एन ए और सी एल ब्रेक होंगे, एन ए पॉजिटिव को कौन करेगा सराउंड, ये सॉल्वेंट्स करेंगे। अब कौन सा पार्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट, तो ये हम ले लेते हैं डी एम एस ओ की, ठीक है, इस तरह से ये डेल नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। तो इस तरह से उसने क्या करा, सॉल्वेट कर दिया। इसमें सॉल्वेशन बोलेंगे, हाइड्रेशन नहीं बोलेंगे, वाटर नहीं है, ठीक है। अब नेगेटिव पार्ट को सराउंड करने की बारी है, नेगेटिव पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, उसका सराउंड, तो ये सराउंड नहीं कर पाता, उसको सॉल्वेट, ये सॉल्वेट नहीं कर पाएगा नेगेटिव पार्ट को, क्योंकि नेगेटिव पार्ट को किसको सराउंड करना है, सल्फर, सल्फर को। अब सल्फर किससे घिरा हुआ है, इन मिथाइल ग्रुप्स है, ठीक है, जो बल्कियर ग्रुप्स है, ये इसको क्लोज ही नहीं आने देंगे, इस सल्फर को क्या करेंगे, ये अगर ये घेरने आएगा तो ये दोनों क्या करेंगे, इसको क्लोज नहीं आने देंगे ना, एक पेन देना, ये हमारा सल्फर है ना, इधर ये सल्फर, ठीक, यहाँ इस तरफ ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने तो इजीली कर लिया सराउंड। अब सल्फर को सराउंड करना है तो ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाएगा तो ये अड़ जाएंगे ना बीच में, ठीक है, ये सल्फर इधर है मेरी उंगली की तरफ जहाँ मैंने पकड़ रखा है, ठीक है। अब ये सराउंड करने जाएगा नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को क्या करने गया, सराउंड करने गया, ये अड़ गए ना, ऑक्सीजन के लिए तो आसान था, ऑक्सीजन के लिए ऐसा सीधे है ना, पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये बॉन्ड बनाने गया तो ज़्यादा क्लोज जा ही नहीं पाया क्योंकि ये अड़ गए, ठीक है। ऐसे इसमें भी होगा, ये कार्बन जब बॉन्ड बनाने जाएगा ये अड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे इसमें जब कार्बन बॉन्ड बन जाएगा ये ग्रुप पूरा अड़ जाएगा, ये तो ऑक्सीजन सीधे कर लेगा, यहाँ ऑक्सीजन सीधे बॉन्ड बना लेगा, पर फास्फोरस जब बॉन्ड बन जाएगा ये इतने बड़े बड़े ग्रुप क्या करेंगे, क्लोज ही नहीं जाने देंगे उसको, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सॉल्वेट नहीं होगा, तो ये नोट कर लेना, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट
सिर्फ पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रोफाइल का सॉल्वेशन ही होगा, नेगेटिव चार्ज का या न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेशन नहीं होगा। ठीक है, ये तो एसिटामाइड था, मैं समझा रहा हूँ कि एसिटामाइड डीएमएफ, डीएमए कैसे बन गया, इन दो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो मिथाइल लगा, ये ऊपर जो लिखा है ये डीएमए है। ये फॉस्फोरिक एसिड है, इसके तीनों ओएच को हटाकर हमने क्या लगा दिया, एन सी एच थ्री, ये क्या बन गया, फॉस्फोरामाइड। ये इसको फॉस्फोरिक अमाइड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको फॉस्फोरिक अमाइड भी बोलते हैं। हेक्सा, ये फोर्थ वाले के बाद ये है ना, पॉजिटिव पार्ट तो सॉल्वेट हो गया पर नेगेटिव पार्ट नहीं हो पाएगा। हेक्सामिथिलीन फॉस्फोरिक अमाइड, ये ऊपर का हटा रहा हूँ इस तरफ। हाँ, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये दो तरीके से होती है, इसके दो मैकेनिज्म होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, SN1 एंड SN2। ठीक है, SN1 यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्या होगा, बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके दोनों मैकेनिज्म को हमें समझना है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करेंगे वो भी देखना है। तो पहले हम बात करते हैं SN2 पर। बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, देखो ये हमारा हेलोल्किन, इसमें एक्स हेलोजन है और ये हमारा कार्बन जो तीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो ग्रुप क्या है अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो कार्बन पर डेल पॉजिटिव, हेलोजन पर डेल नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या देखेगा, डेल पॉजिटिव दिख रहा है कार्बन पर, उस पर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है भाई, पॉजिटिव सेंटर ढूंढेगा ना, तो पॉजिटिव सेंटर ही है तो यहाँ अटैक करेगा। अब ये अटैक कैसे करता है, रियर साइड से, ठीक है ना, ये क्या करेगा, रियर साइड से अटैक करेगा, पीछे से वार करेगा, सामने से करने की इसकी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स पर क्या है, डेल नेगेटिव, एक्स पर डेल नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ये जब सामने से आएगा अटैक करने कार्बन पर, रिपल्शन ऑफर होगा, ये डेल नेगेटिव, एक्स डेल नेगेटिव क्या करेगा, उसे रिपेल करेगा, पास नहीं आने देगा। तो इसने क्या करा, पीछे से हमला किया, पीछे से अटैक किया। ठीक है,
ये एन ए पॉजिटिव है, फिर हमने क्या करा, ओ डबल बॉन्ड एस सी एच थ्री, हाँ यही जोड़ा सर। हाँ इधर नोट पे लिखे, इधर फटाफट लिखो, इधर यहाँ देखें न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रियर साइड से अटैक करेगा, रियर साइड से अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जब ये अटैक करेगा इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा और उसी टाइम पर ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। देखो यहाँ तुम्हें पांच बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन बना रहा है, ये दोनों पार्शियल हैं पर बॉन्ड तो है ना, टोटल पांच बन रहे हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, तो इसलिए तो हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। इसको आइसोलेट कर ही नहीं सकते तुम, ठीक है। ये बना ये बॉन्ड बनता जा रहा है, ये टूटता जा रहा है, ये बनता जा रहा है, ये फॉर्म हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है साइमल्टेनियसली, हाँ। और ये अनस्टेबल स्टेट है, क्या होगा, ये बॉन्ड फिर एकदम से टूट जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा, ये पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, हाईली अनस्टेबल। ये जो स्टेप है पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करने वाली स्टेप, रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, आपस में मिलकर पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, ये क्या होती है, स्लोवेस्ट स्टेप होती है। कैसी स्टेप होती है, स्लोवेस्ट स्टेप, बहुत धीरे होती है ये, ठीक है। ये क्या होगी, बहुत धीरे होगा ये प्रोसेस जो है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करने की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होगी, और ये क्या होगी, वेरी फास्ट, ठीक है। जैसे आयनिक रिएक्शन होती है ना, एसिड और बेस को मिलाओ न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शन हो जाती है, ऐसे ये बहुत फास्ट होगी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ अभी ये तीनों बॉन्ड्स कैसे थे, इस तरफ इसके अटैक करने से किधर हो गए, ऐसे हो गए, ठीक है। इन्वर्टेड अम्ब्रेला जैसा हो गया स्ट्रक्चर, भाई अम्ब्रेला का, ये अम्ब्रेला हमारा ऐसा होता है ना, ऐसा, ठीक है। पर आंधी चलती है तो क्या हो जाता है कभी कभार, वो ऐसा हो जाता है ना, ठीक है। तो अम्ब्रेला क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो गई है ना, सारी जो ताड़ियाँ थी उसकी वो इस तरफ थी, वो इस तरफ हो गई, तो ऐसे ही कुछ हुआ है यहाँ, ये सब इधर थे, अटैक करने के बाद इधर हो गए, तो हम क्या बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई,
इन्वर्ट हो गई, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब मान लो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता कैसा होता, ऑप्टिकली एक्टिव होता, हम मान लेते हैं ये क्या है, डी पॉजिटिव, कैसे कंपाउंड है डी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा एल नेगेटिव। हाँ डी है, तो ये क्या हो जाएगा एल नेगेटिव, मतलब ऑप्टिकली जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी, है ना। पॉजिटिव से क्या हो जाएगा नेगेटिव, है नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये एग्जाम में तुमसे पूछते हैं कि किस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, SN2 में कि SN1 में, तो याद रखना SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। इसको हम वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, कौन सा इन्वर्जन, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं वॉल्डन इन्वर्जन किस में होता है। SN2 में, SN2 में, स्टेप टू नहीं, SN2 में। अच्छा ये स्लोएस्ट स्टेप है, तुम अभी एक चैप्टर पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, उसमें पढ़ोगे कि भाई स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप क्या होती है, इज दी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप की क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड, रिएक्शन की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, स्लोवेस्ट स्टेप पे, ठीक है। जैसे हम बात करें ये रिले रेस, कभी पार्टिसिपेट किया है क्या इसमें, रिले रेस में पार्टिसिपेट किया है, वो एक रॉड दे देते हैं तुम्हारे हाथ में, चार लोग सर्कल में खड़े रहते हैं, है ना, मतलब 400 मीटर की रिले रेस है, तो 100 मीटर की डिस्टेंस में सब खड़े रहते हैं, ठीक है। तुम ये रॉड जो है उसको पकड़ा के देते हो, वो भाग के फिर इसको देता है, फिर ये भाग के इसको देता है, फिर ये इसको देगा, ठीक है, और फिर रेस कंप्लीट हो जाएगी, और जो टीम ये पहले कर देगी वो जीत जाती है, ठीक है ना। अब ये चार लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब रेस कितनी जल्दी कंप्लीट होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, जो तेज भागेगा। ये वरुण तेज भाग कर 5 सेकेंड, या चलो 5 सेकेंड बहुत कम हो गया, ठीक है, 10 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया 100 मीटर, ठीक है, है ना। फिर इसने जिनेश को दिया, ये पहुंच गया 12 सेकंड में, ठीक है। फिर इसने तनुज को दिया 15 सेकंड, ठीक है। पर ये पर्सन जो है वो 1 मिनट लगा रहा है, तो तुम्हारे 10 सेकंड के दौड़ने का कोई फ़ायदा हुआ 10 सेकंड में पहुंचाने का, ये तो टाइम लगा रहा है ना तुम्हारा, ये तो धीरे दौड़ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी रेस किसके तेज दौड़ने पर डिपेंड करेगी, यहाँ ये, ठीक है, ये अगर तेज दौड़ गया तो टाइम कम लगेगा, तुमने कितनी तेज दौड़ लो तुम लोग, अगर ये धीरे दौड़ गया ना, ये स्लोवेस्ट है तुम्हारे सब चारों में, और ये अगर जितना धीरे दौड़ेगा रेस उतनी देर में कंप्लीट हो, तुम कितना भी तेज दौड़ लो, इसको जिसके हाथ में जैसे ही आया, अब ये अगर तेज़ दौड़ता है तो ठीक है, अगर ये धीरे दौड़ा तो तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा, है ना। तो तुम्हारा टाइम किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि तुम इसके टाइम को कवर कर ही नहीं सकते ना, इसके टाइम को कवर कर सकते हो, है ना। तुम 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, करीब 9 सेकेंड है ना कुछ, हाँ हाँ 9 सेकेंड करीब है, 8-9 सेकेंड के बीच में कुछ, ठीक है। तो उससे तेज़ तो दौड़ नहीं सकते, है ना। तुम सोचोगे अरे ये 1 मिनट ले रहा है तो हम यहाँ टाइम कवर कर लेते हैं, 4-4 सेकेंड में पहुँच जाते हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्लोवेस्ट है, और जो कंप्लीट हो रही रेस वो इस पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है, फाइनल ये बन रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट वाली स्टेप पर। ये जितनी जल्दी पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि इसको देर नहीं लग रही। मान लो पहला वाला जो है ये एक बार यहाँ पहुँचा दे, उसके बाद तो ये तीनों बहुत तेज है, फटाफट यहाँ पहुँचा देंगे, पर ये पहला वाला तो पहुँचा है, वो पहला वाला ही टाइम ले रहा है,
तो बाकियों को तो फिर वेट करना ही पड़ेगा ना यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो ये स्लोवेस्ट स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग, किस स्पीड से रिएक्शन होगी वो स्लोवेस्ट स्टेप डिपेंड करती है। अब मुझे बताओ स्लोवेस्ट स्टेप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक पॉइंट और लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन को हम R बोलते हैं, और स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन स्लोवेस्ट स्टेप। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो गया भाई, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लोवेस्ट स्टेप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये दोनों स्लोवेस्ट स्टेप में कौन दोनों ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर और हेलो एल्केन के कंसंट्रेशन पर, ठीक है। मुझे बताओ इनकी पावर मैंने क्या लिखी है, कुछ लिखी है क्या, नहीं, मतलब बने 1+1 कितना होता है 2, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन इज 2, याद रखना ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 स्पीशीज, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसलिए क्या होती है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। तो ये जो 2 बता रहा है ना, 2, ये 2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। हाँ, अगर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, 2 स्पीशीज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है और उनकी पावर कितनी है, 1-1, ठीक है, तो उन पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और हमें क्या मिलता है, उस रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है, उस रिएक्शन का ऑर्डर, उसे हम ऑर्डर बोलते हैं, मतलब सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर्स का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसमें पावर्स का सम क्या होगा, ऑर्डर होगा। अच्छा एक पॉइंट और लिख लेते हैं, उल्टा भी हो सकता है, वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होगी, ठीक है, बस ये बोलने का मतलब है, ठीक है। Thank you.
इधर बातें नहीं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, अगर सॉल्वेंट जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है, वही क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर रहा है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब यहाँ से मैं एन यू को क्या कर दूँगा, हटा दूँगा, और एन यू हटा तो सिर्फ क्या बचेगा, आर एक्स। तो देखने पर, स्लोवेस्ट स्टेप में देखने पर कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, दो, पर डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ एक पर, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो, सूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है, सूडो पोडिया सुना था ना अमीबा का, फॉल्स फीट, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखने पर कैसा लग रहा है कि भाई ऑर्डर टू होगा, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप में दो हैं, पर एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता। हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है कि सॉल्वेंट एक्सेस में होता है तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। अच्छा, बाय मॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, दो, ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो कितने कोलिजन कर रहे हैं मॉलिक्यूल एक बार में, दो, स्लोएस्ट स्टेप में दो कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इसकी, टू। तुमसे कभी मॉलिक्यूलरिटी पूछी तो क्या लिखोगे, ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट जनरेट कर रहा है तो फिर न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, पर अगर मॉलिक्यूलरिटी पूछी तो मॉलिक्यूलरिटी अभी भी टू ही रहेगी, भले ही सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा हो, क्योंकि कोलिजन में तो दो ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूलरिटी टू ही रहेगी, ऑर्डर सूडो हो जाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। टाइम क्या होगा, ठीक है, तो कल करते हैं इसको।